नमस्कार दोस्तों, तो मैं आज आपको हिंदू धर्म के शास्त्रों में से जुड़े कई ऐसे नियम बताए गए हैं जिसके पालन से मनुष्य अपने जीवन में होने वाले दुर्भाग्यों से बच सकता है। ऐसे ही हिंदू धर्म के शास्त्रों में से कई नियम नहाने अर्थात स्नान करने से जुड़े हुए हैं। आप सभी लोग जानते हैं, पहले लोग स्नान के लिए नदी या तालाब का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन अब उनकी जगह बाथरूम ले चुका है। ऐसे में कई लोग निर्वस्त्र होकर नहाना पसंद करते हैं, जिसमें पुराणों में वर्जित माना जाता है। हमें किसी भी परिस्थिति में पूर्ण नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य पाप का भागीदार बनता है। पुराणों में इस संबंध में कई अनोखी बातें बताई गई हैं। गोपियां जब स्नान करने नदी में उतरी तो श्री कृष्ण जी ने उनके वस्त्र छिपा दिए। जब गोपियों ने अपने वस्त्र को खोजना चाहा तो उन्हें नहीं मिला, क्योंकि वस्त्रों को श्री कृष्ण वृक्ष पर रख दिए थे। उन्होंने कहा, तुम्हारा वस्त्र वृक्ष पर है, आकर ले जाओ। गोपियों ने श्री कृष्ण से कहा, जब वे स्नान करने आई थी तब यहाँ कोई नहीं था, अब वे जल से बिना वस्त्रों के कैसे बाहर आए। श्री कृष्ण ने बड़े प्यार से इस संदर्भ में उत्तर दिया, कहा कि कोई नहीं था, लेकिन हर पल हर स्थान पर मैं मौजूद होता हूँ। तुम्हारे आसपास रहने वाले जीव, आसमान में उड़ने वाले पक्षी ने तुम्हें निर्वस्त्र देखा है। इतना ही नहीं, तुम जिस जल में स्नान कर रही हो, इस जल में मौजूद वरुण देव ने भी तुम्हें नग्न देखा है। यह उनका अपमान है। आप लोग की नग्नता आप लोगों का पाप के भागीदार बनाती है। यही वजह से हमें कभी भी एकदम निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज्ञान को शेयर करना चाहिए तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।